अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? भाई आप सबका मोस्ट वेलकम है ट्रिप टू सवाब में पार्ट वन में, और मेरे साथ कंटिन्यू करिएगा और मेरा पूरा एंड तक मेरा ट्रिप देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। हम पैकिंग करते हैं। भाई मेरे हस्बैंड की कॉल आई आना कि हम लोग नेक्स्ट डे चल रहे हैं, मगर नेक्स्ट डे मुझे एक्सपेक्टेड था कि हम लोग जाएंगे, पर नेक्स्ट डे वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो ना उन्होंने कहा चलो पैकिंग करो, हम लोग चलते हैं। मैंने उसी वक्त दौड़ लगाई और जल्दी जल्दी करके मशीन्स लगाई, क्योंकि कुछ कपड़े बच्चों के ख़राब थे, कुछ काम के लिए कपड़े मुझे चाहिए थे वहाँ पे। तो जैसे मैंने वॉश किए हैं, दो बार मशीन लगाई, कपड़े वॉश किए, घर घर को सेट किया, फिर पैकिंग की। पैकिंग में भी एक बैग बनाना था, वो भी मीडियम साइज़ का, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना था हमें। तो मीडियम साइज़ में हम लोग जो जैकेट्स डाली नहीं, बिकॉज जैकेट्स के वजह बैग और लेना पड़ रहा था, तो जैकेट बहुत ज़्यादा स्टार सामान ले रहा था ना। तो हमने सिर्फ कपड़े ही डाले थे जो गर्म कपड़े हमारे वहाँ पर काम आ सकते थे ट्रिप टू सवात और सवात टू मालम जब्बा के ट्रिप में पूरे में। यहाँ पे सर्दी थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। सवात तो एक पूरा एरिया है, ट्रिप टू क्या बोलते हैं मिंगोरा, मिंगोरा टू मालम जब्बा था, सॉरी सवात ही मिंगोरा था हमारा। सो ये सारा सामान मैंने एक ही जगह पे पूरी अच्छी तरह करके इसको सारा पैक किया, और उसके बाद हम लोग हैदराबाद से निकले कराची के लिए। सो ये हैदराबाद का टोल प्लाजा था जो हमने टोल क्रॉस किया, और फाइनली बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं रात के टाइम पे सारी रिकॉर्डिंग शिकॉर्डिंग, और ये देखिए कितना अच्छा सा एक व्यू है। ये जो ना मुझे अच्छा, मैं सारा अंधेरा हो और बीच में आपके पास सिर्फ लाइटनिंग वाली जगह हो, और ये पता नहीं कौन सी फैक्ट्री थी, सिर्फ लाइट ही लाइट्स, मीन्स कितना दूर से नज़र आ रहा है ना, ये बड़ा अच्छा लगता है। मीन्स ये वाला व्यू मेरा पसंद का व्यू है, मीन्स अंधेरे में एक चीज़ चमक रही है दूर से। तो ये बड़ा अच्छा हमारा यहाँ पर सफ़र गुजरा। हम लोग रात के टाइम पर निकले थे, रात की 12:30 बज गए थे, और हम वहाँ पे 1 बजे पहुँचे थे, और हमारी फ़्लाइट थी सुबह 6 बजे की। तो यहाँ से हैदराबाद से हम लोग कराची, कराची पे हम लोग अपनी देवर और ननंद है वहाँ पे हमारे, हम उनके पास आके थोड़े स्टे किया, थोड़ा चाय कॉफ़ी वगैरह पी। मैं तो 1 घंटे के लिए सो गई थी ना, मैंने कहा चलो सोना है भाई 1 घंटा, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती क्योंकि सारा दिन काम कर करके ना नेक्स्ट डे हमारा वो होता है। उसके बाद हम सुबह 5 बजे हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकले तैयार होकर हमारी फ़्लाइट की वजह से। तो ये एयरपोर्ट का व्यू था, और जहाज़ वगैरह सारे खड़े हुए थे। बस डोमेस्टिक फ़्लाइट जो है ना, हम लोग आधे 1 घंटे पहले भी जाएँ तो आपकी एंट्री हो जाती है, बोर्डिंग हो जाती है। सो हमारे साथ एक और फैमिली भी थी, और जहाँ हम लोग जा रहे थे तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फैमिलीज थी ना, तो ये सारे मेरे बच्चे और ये उनका छोटा बेबी। जब ये लास्ट ईयर भी हमारे साथ था, आपने देखा होगा पीसी भूरबन वाला ना वीडियो मेरी, अगर नहीं देखी तो यहाँ पर पीसी भूरबन का रूम और पीसी भूरबन वाला जितना भी है वो सारा मैंने ना मेरी पिछली वीडियोस में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट में हम एंटर हो गए थे, हमारे लगेज वगैरह चले गए थे जहाज़ में, उसके बाद हम लोग अंदर जा रहे थे। और ये देखिए पिछले साल कोविड की वजह से ये सारा बंद था, और अभी देखिए मिस कितना अच्छा लग रहा है। मिस बुक स्टॉल भी ओपन है, तो यूनाइटेड किंग भी ओपन है। मिस पिछले साल कोविड की वजह से हम लोग बहुत खाली खाली था, इस बार तो बड़ा मज़ा आया। मिस हम लोग एयर सियाल में गए थे और बड़ा मज़ा आया था, मिस बड़ा मज़ा। और इस बार उन्होंने एयर सेल वालों ने तो हमें ब्रेकफास्ट भी दिया था, तो डिनर भी दिया था। मीस बड़ी अच्छी और बहुत अच्छी सर्विस दी थी, बहुत अच्छी कमाल की। मीस PIE का पता नहीं क्या है, पर एयर सेल इज़ वेरी बेस्ट। सो हम लोग यहाँ से जा रहे थे। इस्लामाबाद
सो आप सबको सफ़र अच्छा लगा होगा। और ये देखिए कितना अच्छा है एयरपोर्ट इस्लामाबाद का, बड़ा सा बड़ा अच्छा है। और इन्होंने जो ट्रक कार्ड किया था ना, वाह वाह वाह, इन्होंने 100 चांद लगा दिए थे एयरपोर्ट पर, बड़ा अच्छा लग रहा था। सो आई होप कि आपको मेरा जो सफ़र है बड़ा अच्छा लगा होगा, और मेरे साथ बनी रहेगी। और मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक करना है। सो हम लोग को नेक्स्ट पार्ट 2 में मिलते हैं। नाफिज़।